हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, जब आप इसका डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो जितना डेटा हम यहाँ लॉन्च में ले रहे हैं यूजर से, ये सब कहाँ से आ जाएगा? ये सब कंट्रोलर से आ जाएगा, हाँ आ कंट्रोलर पे इंडेक्स से आ जाएगा, या फिर कोई भी एचटीएमएल के पेज से आ जाएगा। हाँ बस इतना ही होगा, बाकी ये सब कॉम डॉट डाओ एज इट इज रहेगा, मॉडल एज इट इज रहेगा, और ये सब फाइल भी एज इट इज लॉन्च में रहेगी, सॉरी एसआरसी के अंदर रहेगी। डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायनेमिक वेब नहीं बनाया ना, बार बार उसमें सर्वर का इशू आएगा, फिर रन कराने में टाइम लगेगा, ऐसे फटाफट काम हो रहा है। देन ये हो गया हमारा रीड का, तो रीड में ध्यान रहे, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना रखें तो क्या होगा, है ना? तो आपको याद होना चाहिए कि भाई हाइबरनेट इंटरनली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। चलिए केस थ्री कर लेते हैं, केस थ्री कर लेते हम डिलीट के लिए। सर वो तो रन हो रहा है, लेकिन अब डेटाबेस में क्या बोलते जा नहीं रहा वो। ट्रांजेक्शन बनाए हो आप? ट्रांजेक्शन क्या हो सर, बिगिन कमिट, वो तो मेरा बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है सर। देखते सर, ब्रेक में देखते, मैं बाद में ट्रांजेक्शन देखेंगे, आप पढ़ाओ अभी। आपको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, फिर मैं देखता अपना नोट्स में से एक बार। हाँ देखिए एक बार, तो हाँ ये हमारा डिलीट का मेथड हो गया। डिलीट में क्या करेंगे यहाँ पे, डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक लिखेंगे हम, इंटर ईआईडी, आपने 12 नंबर दिया, तो 12 नंबर को डायरेक्ट हम डिलीट नहीं मारेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि वेदर दिस आईडी इज अवेलेबल और नॉट। अगर ये आईडी अवेलेबल होगी तो उसको डिलीट मार देंगे। वही रीड करने के लिए एस डॉट गेट, गेट किया हमने एम्प्लॉय डॉट क्लास, ठीक है, और यहां पे क्या कर लेंगे, ई आई डी, तो आपको ईएमपी मिल जाएगा। अगर उधर पे डेटा नहीं है, मान लीजिए यहां पे आपने 104 डाल दिया ई आई डी, 104 का डेटा है अपने पास, बताइए, 104 का तो डेटा नहीं है ना अपने पास, इधर देखिए, तो 104 पे डेटा नहीं है तो ईएमपी में क्या मिलेगा? क्या भाई लोग, नल मिलेगा, नल नल सर, मिलेगा सर। नल मिलेगा, हाँ नल मिलेगा, और नल पे कभी मेथड नहीं चलाएंगे ना, तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, इफ ईएमपी नॉट इक्वल टू नल, अगर ईएमपी में नल नहीं आ रहा है तो हम डिलीट मार देंगे, एल्स में हम कर देंगे, अगर नल आ रहा है तो सिस आउट कर देते हैं, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इसमें नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही सेशन का यूज करेंगे, एस डॉट डिलीट मेथड चला देंगे, और सिंपली हम इसको ईएमपी दे देंगे, तो ये एम्प्लॉय डेटा को डेटाबेस से डिलीट मार देगा। कितना आसान नहीं है, देखो ना, हमें कोई क्वेरी लिखना पड़ रहा है, ना फायर करना पड़
ना प्रिपेयर्ड स्टूडेंट होना पड़ा, ना कनेक्शन गेट वेट सब कनेक्शन, तो मान लो इधर हो गया हम लोग का सारा काम, अलग से हमने लिख लिया है। देन इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। एक काम करते हैं, इसको करने से पहले जरा मैं इस पूरे को व्हाइल लूप में लगा लूं। व्हाइल ऑलवेज ट्रू, ठीक है, मैं इतना ही करने घूमता रहेगा और क्या। देन यहाँ पे हम एक बार एक डेटा और इंसर्ट कर देते हैं। अरे यार ये क्या हो गया सर, वो एक नंबर है ना, वैल्यू डाली हुई। अच्छा फिक्स वैल्यू डाला है क्या हमने? अरे 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 फिक्स वैल्यू डाल दिया है। कौन आया यार इतना लेट में? जरा देखें तेजस, क्यों तेजस जी इतना लेट? भैया इतना लेट आएंगे तो काम कैसे होगा? सर आज हो गया थोड़ा सा, आज के दिन बूंद बूंद सागर भरे है गुरु। नहीं नहीं सर आज पहली बार हो। ये आईडी चेंज कर दे, ये आईडी बस यूजर से ले लेंगे, बाकी राजू 1000, क्योंकि बाकी तो अपना प्राइमरी की है नहीं। ठीक है, ये आईडी हमने 34 ऐड कर दिया। हाइबरनेट इनवोक्ड, सेटर इनवोक्ड 34, ठीक है। देन रीड करके देख लेते हैं, 34 का रीड करके देखते हैं, आया है 34 डेटा। अब हम प्रेस 3 पे डिलीट मार देंगे ना, हालांकि मैंने बनाया नहीं प्रेस 3 का, लेकिन ऑप्शन है अपने पास। 34 हम डिलीट मारेंगे, डिलीट हो गया। 2 पे जाकर रीड करके देखेंगे क्या 34 है हमारे पास। 34 हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। अच्छा नल पॉइंटर पे हमने 2 स्ट्रिंग चला दिया क्या? यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना। अगर डेटा नहीं है तब हमें 2 स्ट्रिंग चलाने, जब डेटा है तब 2 स्ट्रिंग चलाने का था ना। तो यहाँ पे कैसा कर लें, इफ emp नॉट इक्वल टू नल, अगर emp नल नहीं है तभी 2 स्ट्रिंग चलाइए, अदरवाइज एल्स में क्या कीजिए, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट कराइए। तो ये प्रूफ है कि हमारा डिलीट क्वेरी सही चली है, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए रन करते हैं। देखिए सबसे पहले एक इंसर्ट करते हैं, फिर से 55 आईडी इंसर्ट किया, 2 नंबर लगा के रीड करके देखते हैं 55 क्या 55 है, 55 मिल रहा है। अब हम 3 नंबर या हाँ 3 नंबर पे जाएंगे और 55 को डिलीट मार देंगे, 55 डिलीट हो गया। अब 2 नंबर पे जाएंगे और 55 को रीड करने की कोशिश करेंगे, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, हो रहा है ना? बोलिए भाई सबको समझ में आया डिलीट का सीन? सिंपल एकदम, डिलीट करने के लिए आपको पहले रीड करना है, रीड करना है, अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो डिलीट मार दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इन द सेम वे, ये क्लियर है ना सबको, अपडेट कर ले, इस 4 कर लेते हैं सर, एक बार फिर से समझाइए अपडेट। आप रीड में थे कि नहीं? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ईआईडी लिया, ठीक है, देन ईआईडी लेके, हाँ हमने ईआईडी लेके ये चेक किया कि क्या ये ईआईडी का डेटा है कि नहीं है। तो डेटा गेट करने के लिए गेट नाम का मेथड है, तो सेशन डॉट गेट लगाया हमने और ईआईडी चेक किया, अगर डेटा होता है तो डेटा उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल जाता है, और नहीं होता है तो क्या होता है, हमें सिंपली नल मिल जाता है। तो हम बोलेंगे अगर नल नहीं है तो डिलीट कर दो, डिलीट करने के लिए सीधा एस डॉट डिलीट, काम खत्म, एस डॉट डिलीट किया, काम अपना हो गया। लेकिन क्या डिलीट हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा,
ये बस चेक कर लेते हैं हम लोग इधर से, इधर तो हम लोग देखे ही नहीं, आगे ही आगे पूरा देख लिए। माई एम्प्लॉय ना, देखिए डेटा तो डिलीट हुआ ही नहीं एक भी सर, वो कमिट की गड़बड़ हुई, कमिट नहीं लगाया ना हमने, कमिट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कहाँ गया यार, ट्रांजैक्शन गेट किया हमने कहीं नहीं, इंसर्ट वाले में किया होगा, ये रहा, क्योंकि नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन है ना। तो ट्रांजैक्शन बोले तो क्या वो मतलब ऐसा, सब डेटा एक बार फेच होने के बाद अपना क्या बोलते हैं अपन बैच प्रोसेसिंग करते हैं ना, वे उस टाइप का है क्या? नहीं नहीं नहीं, कमिट कमिट एसक्यूएल का कमिट रोल बैक मालूम? हाँ मालूम है ना, वही है खाली, मतलब किया सर, ठीक समझ गए। कमिट करोगे तो ही डेटाबेस में कुछ चेंजेस होगा। ओके तो बिगिन ट्रांजैक्शन बोले तो वो कुछ ऐसा मेथड बना बनाया मेथड है ना? हाँ मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन कमिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कमिट आपको डायरेक्ट नहीं मिलता ना, ट्रांजैक्शन नाम का ऑब्जेक्ट में आपका कमिट मेथड है, तो पहले ट्रांजैक्शन हम एक्टिवेट करेंगे कि भाई हम अभी कमिट वगैरह चलाने जा रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन पहले एक्टिवेट करेंगे फिर कमिट मिलेगा हमें। ओके ओके ऐसा सीन है। अब देखिए, अब रन करके देखते हैं, एक मिनट, ये अपडेट वाला हमने क्रिएट नहीं किया क्या? अपडेट वाला क्रिएट कर लेते हैं ताकि एरर ना आए, ये अपडेट वाला जो मैंने बनाया है, अभी रन करते हैं। अभी दो नंबर रीड करते हैं, 54 नंबर, 54 नहीं है क्या डेटा, 55 है यार, दो नंबर लगाया रीड किया 55 मिल रहा है। अब हम तीन नंबर लगाएंगे और 55 को रीड मारेंगे, अब दो नंबर लगाएंगे और 55 ट्राई करेंगे, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट और 55 यहां से गायब होना चाहिए, गायब हो गया। तो ये है भाई डिलीट का क्वेरी। बोलो भाई, किसी को डाउट है इसमें? हाँ सर एक डाउट। हाँ बोलिए। हमने पहले कमिट नहीं किया था तो डेटा डिलीट नहीं हो रहा था ना? नहीं नहीं, तो फिर भी सर रीड करने के बाद वो लिख के क्यों आ रहा था डेटा? अरे हम 55 या 54 डाल रहे थे। नहीं सर, इससे पहले जब कमिट था ही नहीं पूरे, हाँ उस समय भी 54 ही डाले थे, गड़बड़ वही किए थे हमने। आप करके देखो, कमिट नहीं करो तो डेटा रीड होगा क्या फिर सर? हाँ होगा ना, रीड होगा, प्रॉपर रीड होगा, वो गलत डाले थे इसलिए हो रहा था। वो 55 की जगह ना 54 डाल रहे थे हम। देखिए यहाँ पे कमिट हटा दें, हटा दिया हमने, ये हमने हटा दिया, ठीक है। अभी रन करते हैं, अब हम सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं 78, ठीक है 78 इंसर्ट हो गया, देन हम दो नंबर रीड करेंगे, 78 रीड हो रहा है, तीन नंबर डिलीट करेंगे, 78 हो गया, दो नंबर रीड करेंगे 78। अरे हाँ यार, ये तो पूछ रहा था सर, एक मिनट सर, एरर क्यों नहीं फेंक रहा? नहीं नहीं रुको, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या डेटाबेस अपना? दो नंबर 78 है लेकिन डेटाबेस में 78 सर अभी, हमको लगा हमने डेटा गलत डाल दिया था। हाँ वही तो बोल रहा सर, कुछ गड़बड़ है सर, और सर रीड में कमिट चलता भी नहीं ना। हाँ रीड में तो कमिट चाहिए भी नहीं ना। हाँ रीड में तो चाहिए भी नहीं, पर डेटाबेस में है क्या वो? हाँ डेटाबेस रीड डिलीट नहीं हुआ ना, डिलीट क्वेरी हमने चलाई तो ट्रांजैक्शन कमिट किया अभी, तो रोल बैक नहीं हुआ इसका मतलब ना, कमिट नहीं किए हैं तो रोल बैक करना पड़ेगा लगता है मुझे यहाँ पे। नहीं सर, वो बिना कमिट किए भी डिलीट इधर ऑपरेशन दिखा रहा है वो कि डिलीट हो गया, डिलीट होगा नहीं,
नहीं, डिलीट नहीं होगा डेटाबेस में से, तो डिलीट नहीं होगा, पर ऐसा वो अपने कंसोल में वैसे तो दिखा, वैसे तो दिखाएगा वो। एक काम करते हैं, ट्रांजेक्शन से रोल बैक करेंगे ना तो काम हो जाना चाहिए। यहाँ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ये रोल बैक करेंगे तभी वापस डेटा जाएगा, अंडू होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, रैम में ऐसा दिखा रहा है। तो मैं ऐसा कर दूंगा कि आर यू श्योर, ठीक है, यस और नो, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। फिर हम कैर कैर सी इक्वल टू नेक्स्ट डॉट कैरेट ऑफ जीरो कर लिया हमने, ठीक है, हमने लगा इफ सी इक्वल टू वाई, ऐसा भी कर लेते हैं, सी इक्वल टू कैपिटल वाई, तो ये कमिट करेंगे। अब नो पे करके देख लेते हैं ना हम लोग अभी, एल्स रोल बैक, मुझे लगा रोल बैक की वजह से प्रॉब्लम आई है। चलिए रन करते हैं, अभी एक नए सेट ऑफ डेटा बैक फिर से काम करेंगे। इंसर्ट किया हमने एक नया आईडी 100 नंबर कर लेते हैं, चलो अब ऐड हो गया होगा। रीड किया हमने तो 100 नंबर रीड किया, रीड भी हो रहा है, और देन हम इसको डिलीट करने जाएंगे 3 नंबर से 100 नंबर को, लेकिन डिलीट करेंगे नहीं, ठीक है, आर यू श्योर, मैंने बोल दिया नो। अब रीड करके देखते हैं, ये आ रहा ना अभी, मतलब सर वो रोल बैक ऑटो नहीं होता। हाँ, रोल बैक करना पड़ेगा क्योंकि रोल बैक से अंडू होता है ना, इसलिए एक बार इसको आप लोग कंप्लीट कर लो, छोटा सा है, सब लोग कर लो भाई यहीं पे। फोटो भेजो सर सारे। अरे यार पूरा ब्लड आ रहा है मेरे हाथ उंगली से बालू। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक, एक बार इसको आप लोग कर लीजिए 5 मिनट में।
तरीका है इससे सिंगल, अगर आपको इंसर्शन करना है तो आप इंसर्ट लूप लगा के मल्टीपल कर सकते हो बारी बारी। रीड नहीं कर सकते क्या? रीड नहीं कर सकते आप, क्योंकि रीड मान लीजिए आपने लूप लगा के कर सकते हो, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने किया कि वो सारा एम्प्लॉय का डेटा निकल जाए जिसकी जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो हो सकता है 500 डेटा हो जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो वो फिर वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आपको, क्योंकि इसमें आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, अगर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, रिटर्न टाइप में क्या मिल रहा है गेट में, गेट में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, पहले हम आई लिस्ट में सारा स्टोर करते थे ऑब्जेक्ट सारे। हाँ, अगर हमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता तो काम हो जाता, तो वो तरीका भी देखेंगे अभी आगे चल के। सर स्क्रीन शेयर करो ना। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना के हम आपको एक मॉड्यूल बता देंगे कोई सा भी, तो बाकी तो किसी भी रहता है, एक मॉड्यूल हो जाएगा तो है ना, पूरा डाओ से लेके कनेक्टिविटी कर देंगे। क्योंकि अभी हम लोग ये एक्सएमएल अप्रोच है, हम लोग एनोटेशन अप्रोच काम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में एनोटेशन पे ही काम चलता है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू में पूछ सकता है, इसलिए एग्जाम्पल भी जानना जरूरी है फॉर इंटरव्यू पर्पस। या हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्री में कोई पुराने प्रोजेक्ट हो जिस पे आपको काम करना पड़ जाए, तो वहां पे भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर अभी हम लोग यही करेंगे ना, जब आपके नेटिव एसक्यूएल, तब मैं एक मॉड्यूल बता दूंगा, तो फिर आप उस पर होगा तो प्रोजेक्ट भी करा दूंगा एक।
मैं सीधा बता रहा हूँ ऐसा है। हाँ क्या करेंगे भाई, अभी मत करो मत करो। हेलो हेलो, कोई बोल रहा था क्या कुछ? हेलो सौरभ। यस सर। कुछ बोल रहे थे क्या? नो सर, नो सर, अनुज में डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हमें लोड दी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करना है, तो मैं न्यू न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो ही गया है, वो थोड़ा सा बाकी है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। वो मैपिंग फाइल हम किस लिए डालते हैं? उसी के लिए ना, जो डेटाबेस का वो बताने के लिए, वही उसका पर पद देना खाली, वही जो कि हमारा फील्ड का डेटा टेबल के किस, मतलब जो हमारा फील्ड का डेटा डेटाबेस के कहाँ पे किस लोकेशन पे जाएगा, किस टेबल में जाएगा और टेबल के किस किस कॉलम्स में जाएगा मैप करने के लिए, और कौन से टेबल क्या होगा वो। हाँ वही, कहाँ पे जाएगा टेबल के अंदर। ओके सर, वो सिस आउट प्रिंट कर रहा है, वो सिस आउट भी प्रिंट नहीं हो रहा सर अपना कंसोल में। क्या सिस आउट प्रिंट करते हैं ना अपन चॉइस लेने के लिए, हाँ वो भी प्रिंट नहीं हो रहा कंसोल में। कितने खतरनाक दिन आ गए हैं। क्या बताएं, स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ सर। ये देखिए सर, इधर चॉइस ले रहा, हाँ इधर ये पहले भैया गलत जगह लिए ही थे, तो ट्राई करते। हाँ अब भी आया। चलो भैया अपडेट देख लेते हैं हम लोग। अपडेट में क्या करेंगे, अपडेट के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? सर स्क्रीन नहीं, बोलिए स्क्रीन। अच्छा, डेटा अपडेट करने का है तो भी सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीड करने का करना पड़ेगा। तो टू अपडेट और डिलीट डेटा, फर्स्ट वी हैव टू रीड डेटा। वही सेम काम जो हमने यहाँ पे डिलीट में लिखा था, सबसे पहले हम रीड कर लेंगे यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे रीड कर लिया डेटा, इंटर ईआईडी डाला, ईआईडी मिल गया हमें, देन हमने गेट लगाया, ईआईडी मिला, तो यहाँ पे हमें उस ईआईडी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो ईआईडी हम अपडेट करना चाहते हैं,
अच्छा इस EMP ऑब्जेक्ट में डेटा आ चुका आपके पास सारा, ठीक है। अगर EMP के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, डेटा आ गया, तो आपको डेटाबेस से अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पोजो से डेटा कैसे अपडेट किया जा सकता है बताइए। पहले सर पहले उसे गेट करेंगे क्विज आईडी से, फिर सेट कर देंगे। गेट गेटर वाला बोल रहे हैं आप या मेथड वाला बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, हाँ इसी के थ्रू होगा ना सर। हाँ ये कैसे अभी सेट करके फिर गेट कर रहा है इंटरनली? हाँ वैसा ही होगा। ये सिर्फ सेट कर रहा है ना, गेट तो हम हमें करना पड़ेगा। हाँ तो जो इसने जो वैल्यू सेट करी है ना, उस वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे थ्रू सेटर। हम करेंगे एम्प्लॉय डॉट सेट सेट ई नेम कर देंगे, मान लीजिए काजू कर दिया, ठीक है। EMP डॉट सेट ई सैलरी कर दिया 3000, बस इतना करना है हमें। ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ट्रांजेक्शन ऊपर कर दिया, सॉरी हाँ ऊपर कर दिया, देन डेटा सारा आपने सेट कर दिया। डेटा सारा सेट करने के बाद हम सेशन डॉट अपडेट चला देंगे, अपडेट, और इसको अपडेटेड एम्प्लॉय डाल देंगे। इसमें होगा क्या, डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा, बस इतना सा काम है। बोलो भाई क्लियर है? रन करके देख लेते हैं एक बार। रन किया हमने तो 4 नंबर पे अपडेट करेंगे। सर आपने वो नोट्स में डाला था इससे पहले वो सारा अपडेट वाला? कौन सा अब इससे पहले का कौन सा? नहीं सर। सर क्या चीज़ अलग अलग नोट्स डाल देते तो अच्छा रहता हो सर नोट्स में अपडेट। हम इसी प्रोग्राम में हम लिख दिए हैं बहुत सारी चीजें, और नोट्स में भी डाले हुए हैं इतना यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है। बाकी ये तो मेथड है, इसमें सारी चीजें तो यहीं पे कमेंट कर करके लिखी दिए हैं। बाकी कुछ ना आए तो पूछ लीजिएगा। कहाँ अपडेट में ना, तो EID कौन सा EID रीड करने का अपने को पहले मान लीजिए, रिफ्रेश कर लेते हैं फिर एक बार। एग्जाम भी स्लो चल रहा है, ठीक है। 100 नंबर को हम अपडेट करेंगे, 100 किया, ठीक है। सारा डेटा हमें रीड होके मिल गया। एक मिनट, 4 नंबर हमने किया, अच्छा तो काजू और 3000 हो गया होगा ना। चलिए देखते हैं अभी 100 नंबर, राजू 1000 है, रिफ्रेश करते हैं। कमिट नहीं किया क्या हमने? ओके कमिट नहीं किया। ई डॉट कमिट, यहाँ आप रोल बैक का भी लॉजिक लिख देना। रन करते हैं फिर से, देख यहाँ पे हम 4 नंबर करेंगे तो 100 नंबर में राजू काजू हो जाएगा। आते हैं हम लोग इधर आएंगे वापस और रन करेंगे। देखिए हो गया ना काजू 3000। तो ये सिंपल तरीका है अपडेट करने का। तो ये हो गया हमारा सिंगल रो क्रड ऑपरेशन। सिंगल अगर डेटा आपको रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसमें जो इंसर्ट होता है, इंसर्ट बेसिकली सिंगल ही होता है ना। बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन जो होता है सिंगल ही होता है। तो इंसर्ट ऑपरेशन हम इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। बाकी रीड हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, ये हमें कई बार बल्क में करना पड़ता है। तो बल्क के लिए हम लोग नेक्स्ट अप्रोच अभी देखेंगे, लेकिन अभी भी इसमें काफी चीजें हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बस एक साइड की इस प्रोग्राम को हम ऐड कर देते हैं। सर एक काम करें ना, ये प्रोजेक्ट ही सारा दे दीजिए ना। हाँ वो तो दे देंगे, ये भी दे देते हैं, वो भी दे देंगे। हाँ अपडेट हो जाएगा ना बाद में फिर सर, अभी दे देंगे तो रहेगा।
अच्छा अपडेट में एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ हमने क्या लिखा है, सेशन डॉट रीड है डिलीट अपडेट है, एक मेथड होता है हमारा, एक तो अपडेट मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है, एक मेथड हमारा होता है कौन सा मेथड था वो, सेट नेम, एक मेथड था मेरा सेव और अपडेट, एस डॉट सेव और अपडेट, ठीक है, इसको हमने ईएमपी दिया। देखो सेव और अपडेट से फायदा ये होगा कि ये क्या करेगा, मैं लिख देता हूं, इट विल अपडेट द डेटा इफ इट इज, इफ इट इज एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट एंड इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट, इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल इंसर्ट द डेटा। ये डिफरेंस है, मतलब सेव और अपडेट में क्या होगा, अगर डेटा होगा तो अपडेट करेगा और डेटा नहीं होगा तो वो सीधा की सीधा इंसर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है, हमने चार नंबर लगाया, हमने किया 600 आईडी तो है ही नहीं अपने पास, एक मिनट यहाँ क्या हो गया, कैन नॉट ईएमपी, नल आया ना, तो नल आया, एक मिनट, ये काम ऐसे नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल हम गेट वेट नहीं करेंगे, सीधा कर देते हैं न्यू एम्प्लॉय, जिस तरीके से, और तीन वैल्यू सेट कर दी, ईएमपी डॉट सेट ईआईडी, ऊपर ईआईडी तो मिल ही रहा है ना, तो ईआईडी कर लिया, ठीक है, और सेव और अपडेट चला दिया। अब चूंकि हम गेट नहीं कर रहे तो नल वल नहीं आएगा, सिंपली हमने क्या किया, एक डेटा लिया ईआईडी और ई नेम और सैलरी, अगर वो डेटा होगा तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं ना, इसका एक मिनट, इसका नाम हम कर देते हैं मोहन, चेक करने के लिए मोहन कर दिया और रन करते हैं। ठीक है, दो नंबर, चार नंबर हमने लगाया, 100 नंबर, ठीक है, देखिए 100 नंबर क्या हुआ, 100 नंबर तो पहले से था हमारे पास, तो अब देखोगे 100 नंबर मोहन हो गया होगा, हो गया मोहन। तो अगर जो डेटा एग्जिस्ट करता है, जो ई आई डी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो अपडेट होगी, और हो सकता है कि आप ऐसी भी ई आई डी डाल दें जो कि हो ही ना, तो वो इंसर्ट हो जाएगी। तो सेव और अपडेट मेथड दो काम करता है ना। अब अगर इसमें मैंने मान ली 700 डाल दिया, 700 तो है नहीं, तो 700 आई डी इंसर्ट हो गई, यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 700 भी आ गई। क्लियर है फंडा सेव और अपडेट का, पूछ देते हैं भाई कई बार सेव सेशन अपडेट करने के तरीके पूछ देते, तो आपको ये तरीका भी बताना है कि एक अपडेट करने का तरीका ये भी है कि हम सेव और अपडेट के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें डेटा अगर होगा तो अपडेट होगा और डेटा नहीं होगा तो वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। यही काम अगर मुझे जेडीबीसी से करना होता तो कितना लंबा लॉजिक लिखना पड़ता, अभी जेडीबीसी आप लोग पढ़े हो, आप लोग सोच सकते हो, अगर ये हमें चेक करना हो कि डेटा अगर है तो अपडेट करो, नहीं है तो सबसे पहले रिजल्ट सेट लगा के रीड करना पड़ता, पता करने के लिए डेटा है कि नहीं, है ना, अगर रिजल्ट सेट में मेरा नल नहीं आता तो फिर हम अपडेट की क्वेरी चलाते हैं, एग्जिस्ट करता है, हाँ
एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो भी उसके लिए अलग सिक्योरिटी है। हाँ उसके लिए अलग क्वेरी, फिर अपडेट के लिए अलग क्वेरी, फिर एल्स में इंसर्ट की अलग क्वेरी, बड़ा लफड़ा था, यहाँ पे एक लाइन में काम हुआ। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री फ्रेमवर्क के लिए मरती है, फ्रेमवर्क 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 या फ्रेमवर्क आना चाहिए, जावा का फ्रेमवर्क आना चाहिए। क्यों? काम आसान हो रहा है ना, जितना जल्दी काम दोगे कंपनी का प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, वही होता है। चलिए छोटा सा प्रोग्राम है, इसको भी डन कर लीजिए। एक मिनट, फोन कहाँ गया, इसको ग्रुप पे भेजता हूँ ये वाले को। आज और कल, कल भी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कि कल भी चूना पट्टी होगा। आप लोग ज्यादा नॉइज वॉइस तो नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर। दरवाजा हमने बंद कर दिया उधर वाला, दूसरे हॉल का, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। उधर तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। देखो ग्रुप पे कोड भेजा हूं मैं, हेलो सर,
इस बैच का, इस बैच का नाम एडवांस जावा कुछ करके तो है, एडवांस जावा नवंबर। ओके नहीं 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 इस बैच का कोई ग्रुप ही नहीं है, इसका हम उस पर डालते हैं जनरल में, क्योंकि इन दो 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 क्लासेस कंबाइन हुई है ना, तो जनरल में ही डालते हैं। ठीक है सर। सर हाँ बोलिए सर, एक बार में इंसर्ट रीड और अपडेट किया ना, अपडेट पे एरर आ रहा, एक क्या, बार में एक बार में इंसर्ट किया फिर उसको रीड किया फिर उसके बाद अपडेट किया ना, तो उसको एरर दिखा रहा, एरर दिखा रहा का मतलब क्या बात बोल रहा है, डॉट एक्सेप्शन क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में different with the same identifier, क्या 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 screen share invalid identifier आ रहा है क्या, screen share कीजिए देखा जाए। एक मिनट आपने पहले इंसर्ट किया रीड किया तो हो रहा था, देन चार नंबर दबाया अपडेट के लिए, ये अपडेट रिपोर्ट दिखाइए जरा, नहीं गुरु अपडेट ऐसे नहीं होगा, अपडेट के लिए पहले डेटा निकालना पड़ेगा, सेव और अपडेट ऐसे होगा, अच्छा है ना, अपडेट के लिए आपको डेटा वहां से निकालना पड़ेगा पहले गेट करके, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो अपडेट की क्वेरी मेथड चलेगा, ये जो तरीका आपने किया है ना ये सेव और अपडेट पे काम करेगा। अच्छा चलेगा। अरे सर नहीं हो रहा उससे भी,
चलो भाई, इसके बाद एनोटेशन अप्रोच है अपना। यार अपडेट वाला मैंने कहाँ कोड लिख दिया, सेव और अपडेट का कोड। सर ब्रेक लेके आ जाएगा 10 मिनट में, आ जाइए फिर, हम भी अंकल के लिए चाय वाय ले आए। तो ठीक है सर, आइए, 5 बजे तक आ जाते हैं। हाँ हाँ आइए आइए। हाँ ठीक, हेलो सर। हेलो सर, जय। हाँ सर, चलिए बाकी सब लोग आ गए ना सर। अभी वाला ए एक्सएमएल वाला प्रोजेक्ट है ना, ये अलग से अपलोड कर दीजिए ना स्लैक पे। हाँ हम इसमें भी कुछ नहीं चेंज करने वाले हैं, सो क्लोज ऑल करके रख देते हैं, अभी लास्ट में अपलोड मार देंगे। हाँ सर वही, हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बल्क वाला ऑपरेशन हम एक्सएमएल के थ्रू नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, एक्सएमएल में बस इतना ही होगा कि मैपिंग होगी, है ना। एक्सएमएल का मतलब ये हो गया कि मैपिंग के लिए एक्सएमएल का यूज करेंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हम बना रहे हैं वो एक्सएमएल के यूज करेंगे, बाकी तो जावा ही कोड है ना। हाँ हाँ, बस मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन आप चाहे बल्क में दो चाहे सिंगल ऑपरेशन में दो, आप कॉन्फ़िगरेशन मैपिंग और कॉन्फ़िगरेशन आपको देना तो है, आप चाहे एनोटेशन से दे दो चाहे एक्सएमएल में से दे दो। एनोटेशन में क्या होता है सर? कुछ नहीं, काम आसान होता है, एक्सएमएल नहीं बनाना पड़ता, एट द रेट लगा देंगे काम हो जाएगा। वही अभी वही दिखाने वाले हैं आपको कैसे होगा। और वैसा नहीं करना हो तो डायरेक्टली सर इस कर सकते हैं बल्क वाला एग्जांपल दे दो डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब बोले तो अभी अभी जो हम कर रहे हैं ना सर, अभी एग्जांपल दे दो। हां हां, बल्क ऑपरेशंस, इसमें बल्क ऑपरेशन कर सकते हैं ना, इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एसक्यूएल या एचक्यूएल ये सब लगाना पड़ेगा। अभी आप देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है सर। एक दूसरे प्रोजेक्ट में एक थोड़ा दिक्कत है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा बनाया है तो वो क्या करता है, वो पूरा डेटा ले रहा है और वैलिड होगा तभी आगे भेजना, मतलब डेटाबेस में जाना चाहिए ना, तो वैसा कंडीशन लगाया है, लेकिन वो वैलिडेट नहीं है तभी भी डेटाबेस में वो जा रहा है, मतलब सेंड नहीं किया, मतलब कुछ भी ना करो, मतलब वैलिडेट होकर भी वो ऐसा डेटाबेस में जा रहा है, वो इंसर्ट हो रहा है, कुछ खड़े हो गए गड़बड़ी एंड और वगैरह में। देखेंगे लास्ट में देखेंगे, ताकि आज थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाएगा। ठीक है सर, क्या आज हम भी थोड़ा बिजी है ना, तो मतलब टॉपिक जो लोग आगे बढ़ा लेते हैं डाउट वोट देख रहे हैं। आपको पूछना था मतलब आगे प्रोजेक्ट बनाने के तो उसमें क्या कर रहे हैं मेरे को कि अपन के डेटाबेस में टेबल्स तो 4-5 होंगे और हर एक टेबल में से मेरे को रीड करना है कि एक ही ऑपरेशन रीड का बनाऊंगा, पर वो रीड ऑपरेशन सारे टेबल्स को रीड कर लेगा और जो चाहिए मेरे को वैल्यू वो देगा, ऐसा कैसे कर सकते है? हो जाएगा ना, सारे टेबल्स से रीड करना है ना। हमने EID डाला तो EID हर टेबल से मिलनी चाहिए, EID का डेटा। EID से नहीं कर रहा सर, मेरे को ऐसा लाइक से अपन करते ना, वो स्टार्ट्स विद। हाँ हाँ, मतलब भाई जो भी। हाँ हाँ, मतलब सारे तो आप अलग अलग क्वेरी लिख दो तो एक साथ वो सारे टेबल, समझो 4-5 टेबल है, वो चारों पांच एक साथ हो जाएंगे रीड। हाँ हो जाएगा ना, काहे नहीं होंगे। ठीक है सर, देखेंगे ट्राई करके बताएंगे। हाँ सब में आप क्या करना, 4 SQL क्वेरी या 5 SQL क्वेरी लिख देना। ठीक है, हाँ मतलब हर एक टेबल के लिए एक क्वेरी। हाँ हर एक टेबल के लिए एक क्वेरी। एक क्वेरी से काम नहीं हो सकता क्या? एक क्वेरी से नहीं होगा ना, एक क्वेरी से कैसे काम होगा? तो वो कैसे बनाना है, अपन जैसे OTT पे Netflix पे ऐसा सर्च वाले पे क्लिक करते ना तो आप मूवी का नाम सर्च करते तो वो कैसे उसके रेफरेंस में जो जो वो लेटर से स्टार्ट हो रहे सारे आ जाते, तो वैसा कुछ बनाना था। हाँ तो वही लाइक ऑपरेटर का यूज करके बनेगा।
लाइक तो करेंगे पर ऐसा डेटाबेस तो हर एक के लिए क्वेरी तो बड़ा टेबल के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना कि फॉर लूप से हो जाएगा क्वेरी वो। तो आपका जो मूवी का नाम होगा वो किसी एक ही टेबल में होगा ना। हाँ पर वो मतलब जो आगे यूज कर रहा है यूजर उसको थोड़ी पता ना होगा कि आपने पास कितना टेबल है डेटाबेस में। हाँ तो आपकी जो मूवी का नाम जो स्टोर हो रहा है जहाँ पे वहीं से रीड करा लो। पर डेटाबेस एक होगा पर आप मूवी का कैसे रहता है कि अलग अलग टाइप के रहते ना, एक्शन रहेगा कुछ हॉरर रहेगा तो वो हाँ, ना खाली नाम सर्च करेगा ना। तो भाई एक्शन हॉरर के लिए अलग अलग टेबल मत बनाओ तो बहुत बेकार हो जाएगा मामला। फिर ऐसा क्या मूवी का टाइप बना लो आप कि एक जैसे मूवी नेम हो गया, मूवी का लेंथ हो गया कितने आवर की हो गई, ठीक है, फिर मूवी का टाइप हो गया एक्शन हॉरर ये वो, तो एक ही टेबल से काम हो जाएगा, मल्टीपल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर देखते हैं ट्राई वैसा कर लो। मतलब आप कोशिश करो कि प्रॉब्लम को कितना सिंपलीफाई कर सकते हो। सर जॉइंस भी तो लगा सकते हैं ना। क्या जॉइंस भी तो लगा सकते हैं ना टेबल पे। जॉइन तो तब लगाएंगे ना जब एक टेबल दूसरे से रिलेटेड रहेगा, एक जगह प्राइमरी की और फॉरेन की का, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट वो जॉइन वाला नहीं है ना। इनका तो बस ऐसा सिंपल सा है कि हमें भाई फोटो का नाम दे हमें पांचों टेबल से मिल जाए ऐसा है। जॉइन तब लगाएंगे जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा है उसमें एक अकाउंट है, अकाउंट का टेबल अलग है तो एम्प्लॉय आईडी अकाउंट नंबर हो जाएगा, देन अकाउंट का फॉरेन की हो जाएगी तो फॉरेन की बेस पे निकालेंगे वो अलग हो जाएगा। इनका जो प्रॉब्लम है ना वो बिना जॉइन के ही हो जाएगा सिंपल एक टेबल बना के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें हम देख लेते हैं एक आवाज आ रही है। हेलो तो देखो इसमें हम इस पहले इस प्रोजेक्ट को या छूती में कॉल आ रहा है एक मिनट। हेलो हेलो यस सर। अरे वसूली मैडम वसूली नहीं अभी वो बोल रहे थे कि टेस्टिंग वालों को हो जाएगा तो बता दीजिएगा हम लोग रिमूव कर देंगे ये वो। ठीक है भैया बता देंगे। चलो तो आ जाते हैं हम लोग एनोटेशन अप्रोच पे। इसमें क्या होगा हियर वी नीड नॉट टू क्रिएट एनी एग्जाम्पल फाइल। फिलहाल के लिए हम मैपिंग का देखेंगे, ठीक है, मैपिंग कैसे होता है फिर कॉन्फ़िगरेशन का भी देख लेंगे।
एक्सएमएल फाइल आपको बनानी नहीं पड़ेगी, आप पूरा काम जावा से कर सकते हो, जावा से मैपिंग हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एनोटेशन। कैसे होगी देखिए, यहाँ पे मैं न्यू एक जावा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, टू कर देते हैं एच बी एन एन ओ, ठीक है, लाइब्रेरीज ऐड कर लेते हैं क्लास पाथ पे, ऐड लाइब्रेरी यूजर लाइब्रेरी माई एसक्यूएल दिस एंड दिस, ये कर लिया और फिनिश कर लिया और डोंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें चाहिए, तो हम employee hibernate.cfg.xml कॉपी कर लेते हैं, हम अभी इसको एनोटेशन से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को, अभी मैपिंग को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास एक मॉडल क्लास होगी सर, वो कनेक्शन वाली फाइल अपलोड कर देना। हाँ कर देंगे, सब कर देंगे, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। और हम यहाँ से डाओ भी कॉपी कर लेते हैं और डाओ पेस्ट कर दिया, डाओ के अंदर हमें इंसर्ट करने का है तो पूरा एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, एज इट इज। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए अभी अगर इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो आपको एक्सेप्शन आएगा कि मैपिंग रिसोर्स नहीं मिल रहा है, ऐसा अगर कुछ आएगा मैपिंग रिसोर्स नॉट फाउंड, हम बोलेंगे हमें मैपिंग रिसोर्स देने का ही नहीं है, क्या भाई तुम, ठीक है, क्योंकि हम अपना मैपिंग रिसोर्स बना ही नहीं रहे अलग से। हम ये जो एम्प्लॉय पोजो है इसका ही यूज करेंगे, जब भी आप इसमें सेटर में सेटर के थ्रू जब भी वैल्यू सेट करोगे, ठीक है, तो हमारा पोजो ऑब्जेक्ट ही बता देगा, ये पोजो क्लास ही हमारा बता देगा कि भैया आपको किस टेबल में डेटा ले जाने का है। कैसे, आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट एक एनोटेशन लगाओगे आप एंटिटी, आपने लगाया एंटिटी, अब हमेशा एनोटेशंस को जेपीए के थ्रू लेना, जेपीए के थ्रू स्ट्रांग होता है, अच्छा माना जाता है जेपीए का एनोटेशंस, अगर कोई एनोटेशन ना मिले तो हाइबरनेट से उठा लेना, तो मैं जेपीए का उठा लिया। सर एंटिटी क्या है? एंटिटी एनोटेशन है, ये बताता है कि ये मेरी जो पोजो क्लास है, ये एंटिटी मतलब होता है एक आधार समझ लो, जिसके आधार पे हमें डेटा को सेव करने का है ना, जिसके आधार पे हमें डेटा को सेव करने का है, एंटिटी क्लास होती है, मॉडल जो एप्लीकेशन का डेटा होल्ड करती है उसी को बोलते हैं। तो हमें बताना पड़ता है कि मेरी एंटिटी क्लास ये है, एक एनोटेशन है, उसके बाद हमें ये बताना पड़ता है कि इस एंटिटी क्लास का डेटा हमें किस टेबल में ले जाना है। मैं लगाऊंगा एनोटेशन टेबल, और यहाँ पे इस तरह से लगा के आप लिख सकते हो नेम इक्वल टू माय एम्प्लॉय, ठीक है, तो अब एम्प्लॉय क्लास का डेटा माय एम्प्लॉय टेबल में जाएगा। बोलो भाई क्लियर है इतना? सर मैपिंग का ही काम करता है ना एक तरह से, मैपिंग का ही, एग्जैक्टली मैपिंग का ही काम करेगा ये, उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। आईडी के लिए हम लोग पहले यूज करते थे, अगर आप पुराना प्रोजेक्ट देखोगे तो आईडी टैग का यूज करते थे, देखिए आईडी के प्राइमरी के लिए आईडी की ना, प्राइमरी के लिए आईडी टैग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट द रेट आईडी, और आईडी का जो नेम है वो क्या है, एक मिनट आईडी, हाँ ठीक है, ये तो हो गया आईडी, और आईडी एक कॉलम भी है मेरा, तो मैं यहाँ लगाऊंगा कॉलम, ये मैं लगा दिया कॉलम, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेम इक्वल टू ई आईडी जाएगा मेरा किसमें, आईडी में कॉलम है, कॉलम एक पर्टिक जो ये मेरा ई आईडी जो ई आईडी का डेटा है वो आईडी नेम के कॉलम में जाएगा जो कि एक प्राइमरी की है। सर पर लेकिन अपन ने कल नाम तो चेंज कर दिया था ना टेबल में, आईडी का ईआईडी कर दिया था शायद। नहीं 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 किया था, नहीं किया सर,
आईडी है। अच्छा ठीक है सर, बस बाकी में अब बाकी तो आपका सिर्फ कॉलम है, कोई प्राइमरी की तो है नहीं। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ नेम, और यहाँ सैलरी, बस खत्म काम। कितना किया आपका काम हो गया, ठीक है। तो एनोटेशन अप्रोच कहीं ना कहीं आपका लाइन ऑफ कोड भी कम करेगा, एक्स्ट्रा फाइल बनाने से आप बचोगे, ठीक है। ये हो गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे देखिए, तो हम कॉन्फ़िगरेशन, जब हम डेटा को गेट करते हैं ना यहाँ पे देखिए, जब हम सॉरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट एड एनोटेटेड क्लास। अगर अपने एनोटेशन को रीड करवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरी एनोटेटेड क्लास कौन सी है। तो यहाँ पे हमने दे देंगे कौन सा, एम्प्लॉय डॉट क्लास, बस काम खत्म। इतना काम करने से काम हो जाएगा। कोई मैपिंग फाइल नहीं हमारे पास, जरा हम रन करके एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए एक नंबर किया हमने 1999 इंसर्ट करके देखते हैं। चलिए आते हैं, चेक करते हैं, एक्सेप्शन तो कोई आया नहीं है, 1999 को चेक करते हैं। देखिए आया ना 1999 विदाउट एनी XML फाइल, हमारे पास कोई XML फाइल नहीं है, फिर भी हम डेटा को क्या कर पाए, इंसर्ट कर पाए। सर एक बार वो ये जाम खोले, जाम, ये लीजिए आपका जाम। धन्यवाद, ठीक है। तो ये हो गया, बोलो भाई सबको क्लियर है, इतना ही है भाई कोड, इतना ये हो गया और बाकी हमारा लॉन्च में हो गया छोटा सा। बस ये चेंजेस है, कनेक्शन करते समय, कनेक्शन के बाद आप क्या करोगे, अपनी एनोटेटेड क्लास को लोड कर लोगे, ये काम, और इधर से हम ये काम कर लेंगे। बोलिए भाई क्लियर है सबको, इतना? यस सर। हमारा पोजो क्लास ही मैपिंग कर देगा विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लो, मैं आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ, एक अलग प्रोजेक्ट बना के करना, एडवांस जावा, एडवांस जावा नवंबर, ठीक है मैंने भेज दिया है। हेलो 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 सर,
हेलो सर, बोलिए सर।
सर एक बार एम्प्लॉय वाला कोड खोलना। क्या हुआ? हेलो सर, एम्प्लॉय वाला कोड खोलना सर ऊपर से पूरा। एम्प्लॉय का कोड मैं फोटो भेजता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ। अच्छा सर, ऊपर से पूरी भेजना सर फोटो। हाँ हाँ बाकी तो सब गेटर सेटर है। देखिए भेजा हूँ। आ गया सर, तीन पार्ट में भेजा हूँ। तो भेजिए कैरेट देखिए।
हेलो, कोई बुलाया क्या? हेलो, नहीं सर, वो एरर था, हो गया सॉल्व सर, हो गया। चलिए 2 मिनट में हम बस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाकी सब लोग कर लो इसको। सर कुछ पढ़ाने वाले होगी नहीं आज? हेलो, क्या भाई? सर कुछ लिखने वाले हो टॉपिक? क्या क्या टॉपिक ले रहे हो आगे? हाँ ले रहा हूँ ना, लेकिन टॉपिक लेने से पहले
अरे टॉपिक लेने से पहले, टॉपिक तो भाई बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, बहुत दिन से पेंडिंग है और अब मुझे लगता है कभी भी लोग मांग सकते हैं, वो पहले कंप्लीट मांग लिया ना तो रिमूव कर दिया यार किसको, सीड इन्फोटेक रिमूव, किसको रिमूव किया है मैडम ने, सतीश को रिमूव कर दिया गाय, क्यों सतीश जी मुझे रिमूव किया, तीन लोगों को रिमूव किया, सतीश को और पता नहीं दो नंबर और हैं, शायद नवंबर, अरे सर वो शायद एसक्यूएल वाले बैच में डाले होंगे सर, तो भाई इधर से रिमूव क्यों कर दिए यार, तुम लोग का अटेंडेंस एक भी नहीं हुआ है, एक भी दिन अटेंडेंस नहीं हुआ है भाई, मांगे तो मत सर, सारा कर दो, हाँ सारा कर दो सर, आगे एंड तक का करके दे दो आप, क्या एंड तक का करके दे दो सर, भाई तुम्हें आवाज नहीं आ रहा है, खरखरा रहा है एकदम, रुक जाइए जरा पूछते हैं आप लोग फटाफट बता दो, हाँ बोलिए सर, इसके बाद है ना एंगुलर के बैच स्टार्ट होने वाले शायद कल से, तो एंगुलर ऐसा गैप थोड़ा गैप लेने के बाद पड़े तो चलेगा क्या, हाँ एंगुलर का एडवांस जावा से कोई रिलेशन थोड़ी है, तो वो पूरा अलग ही है ना, वो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, अच्छा ऐसे है, सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए, अच्छा अच्छा जेएस का नॉलेज चाहिए उसके लिए, वैसे भी सुने एक हफ्ते में खत्म हो रहा है एंगुलर, एक हफ्ते में नहीं दो हफ्ते में खत्म हो रहा है, बोले कल से स्टार्ट हो रहा है, अटेंड करना है तो करो, मैं बोला 6-6 घंटा ऑनलाइन कौन करेगा सर, 1 घंटा ऑनलाइन करने में दम निकल जाएगा, इतना क्या ये 4 घंटा वो 2 घंटा, बोले नहीं अभी आपका कोर एडवांस जावा का 1 वीक में खत्म हो जाएगा, उनको थोड़ी मालूम आप थोड़ा लंबा खींचने वाले हो, अपना तो कुछ भी हो सकता है, अभी मैम से बात करने का है मेरे को, सर भाई अमित कदम कौन है भाई, अपनी बैच कितनी तारीख को स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट सर अपनी बैच कब शुरू हुई है, 22 को इतने शायद 22 नवंबर ना, चलिए 22/0/11 ना, और 2000 कौन सा चल रहा है, 22 चल रहा, मतलब साल भूल जा रहे हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आज को इतना तारीख हो गया भाई, 12 तारीख है सर भाई, हम छुट्टी 25 को हम छुट्टी मारे थे क्या, 2 दिन मारे थे सर आप बीच में, हाँ सर 25 नहीं पिछले महीने की बात कर रहे, इस महीने तो मारे हैं, हाँ सर लिए थे, फ्राइडे था उस दिन, अच्छा ऐसा क्या, हाँ हाँ 25 फ्राइडे ठीक है, तो 25 को तो हो गया लीव, 26 सैटरडे, 27 हो गया संडे, देन 27 संडे, फिर अगला संडे कब पड़ा, नहीं 27 संडे नहीं हुआ यार ऐसा, अच्छा हाँ इधर पिछले महीने के देखना है ना, 27 संडे, देन 4 और 11 संडे है, 27, 28, 29, 30 यार, एक हफ्ते बाद संडे आना है कि 10 दिन बाद संडे आ रहा है, मंडे टू संडे, हाँ ठीक है संडे, 4 को संडे आ गया ठीक है, और एक संडे अपना कब था, कल था ना भाई, आज मंडे ही है ना, हाँ सर हाँ ठीक है ये हो गया, और छुट्टी हम कब कब मारे थे यार, कल परसों की परसों नरसों,
आई थिंक हम यार हमको याद नहीं है, एक दिन हाफ डे किस दिन लिए थे सर? 8 और 9 को लिए छुट्टी थी, 7 तारीख को हाफ डे था, 6 और 7 को, 6 और 7 को 2 दिन हाफ डे था ना, हाफ डे लिए हो गया लीव, ये भी हो गया हाँ लीव, ठीक है 2 हाफ डे हो गया, 2 लीव हो गया, तो हाफ डे वाला ऐसे लिखते हैं, एच डी लिख देंगे और हाइफन करके हम प्रेजेंट ही लगा देंगे यहाँ पे। तो अमित कदम जी बताइए, अभी तक कितना दिन एडवांस जावा की क्लास आपकी मिस हुई है? एक भी दिन नहीं सर। एक भी दिन नहीं हुई है? नहीं नहीं। जहाँ पे हुए हो भाई तुम तो, देखो भाई सही लगा रहे ना, मन नहीं लग रहा कुछ, कुछ डेट वेट मिस तो नहीं हो रही है? 29, 30, 1, 2 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे आपका यहाँ पी कर देते हैं, ये पी हो गया, लीव लीव हो गया। 10 को क्लास लिए थे क्या हम? हाँ सैटरडे को लिए थे हम, संडे संडे हो गया, मंडे ठीक है भाई। चलिए देन अनिकेत, कितना एडवांस क्लास छुट्टी आपकी? एक भी नहीं। एक भी बुखार उखार में आप तो आए थे? नहीं सर, कब का चला गया? हाँ आया चला गया, ये हो गया, तो 100% अटेंडेंस वाले हैं, अवार्ड दिया जाए। चलो भाई ये हो गया। अनीशा राघवन कोई है ही नहीं भाई, 2 और 3 तारीख को एब्सेंट थी, बाकी सब प्रेजेंट। हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोले कोई है ही नहीं, 2 और 3 को एब्सेंट थे। यस सर। याद भी रहता है। अनुज, अनुज कब आया भाई, कब से ज्वाइन की हो? 5-6 दिन लास्ट के प्रेजेंट कर दिया। 5-6 दिन लास्ट के, तो 5-6 दिन लास्ट के तो तब से प्रेजेंट ही हो ना टोटल। चलो 5, चलो मंडे से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ज्वाइन ना। ठीक है आशीष प्रेजेंट। कितने दिन भाई? एक भी दिन नहीं। एक भी दिन प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट एब्सेंट। ये हो गया। ठीक है भाई, अभी कौन बचा? भूषण सर प्रेजेंट ऑल डे। भूषण जी आपका जॉब आपको कुछ हुआ? नहीं सर। ट्राई मार रहे कहीं? नहीं सर फिलहाल नहीं। ट्राई कीजिए, करते रहिए ऑफ कैंपस में भी, सीट के भरोसे मत रहिए। ओके ओके सर ना, ऑफलाइन में जितना मिल रहा है इंडीड विंडीड पे नौकरी पे ट्राई मारते रहिए। यस सर। अभी तो एडवांस जब इतना पढ़ लियो तो आप क्रैक कर सकते हो। देवेंद्र 3 दिन एब्सेंट लगा दीजिए सर। 2, 3, चलो 3 दिन लगा दिया। ठीक है। और भाई हितेंद्र कब ज्वाइन किए हो? बस सर सेम एज अनुज जी जैसा, 5-6 दिन। बाकी दिन से प्रेजेंट लगातार। हाँ सर अभी कुछ नहीं पढ़ाने वाले ना? आने वाले ना? अरे हो गया ना सर अब। अरे अभी कहाँ, अभी तो अभी 10 मिनट पूरा अटेंडेंस हो जाएगी, पूरा आधी घंटा टाइम रहेगा अपने पास। देन केदार एक भी दिन एब्सेंट नहीं?
हाँ सैटरडे को हाफ डे। हाफ डे? अरे हाफ डे छोड़ो मार दो फिर कहीं पूरा प्रेजेंट। हाफ डे बस मेरा ही काउंट होता है। ये हो गया। प्रणव, राकेश वाघ सर प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रणव ऑल डे सारे दिन था। हाँ आप तो वही ना सुबह सुबह आते थे। हाँ सर वही वही सत्यजीत के साथ। हाँ राकेश वाघ प्रेजेंट सर ऑल डे। एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा। रोहित दास। अरे रोहित तो बहुत अब्सेंट है यार। रोहित कितना अब्सेंट रहा होगा इस वाले में? क्यों केदार जी? प्रेजेंट पूछना पड़ेगा सर, उल्टा पूछना पड़ेगा। तीन चार दिन प्रेजेंट होगा ना बस। शुरू में जेडीपीसी 2-3 दिन छूटा है, फिर इधर आया था, फिर बीच में 2-3 दिन गायब हुआ था। बहुत अब्सेंट हुआ है रोहित। चलो ऐसे ही रैंडमली मार देते, वैसे उसको तो रिव्यू पूरा करना ही है। सागर सर ऑल डे ब्रेड। क्या ये ना मेरे को डिटेल कभी भी मांगी जा सकती है? आजकल थोड़ा सा चेकिंग रिमूव ये वो होता रह रहा है। अभी पता नहीं क्यों निकाल दिए यार, मालूम नहीं क्यों। तीन लोग सर कुछ भी हो, इतने झूठे लोग है ना, वसूली की वजह से ही निकाल रहे हैं। मेरे को भी मांग रहे ना सर, मेरा भी बैलेंस सतीश का तो पूरा पे है सर मेरी। हाँ ना, ना मुझे तो कुछ नहीं नहीं मेरी बाकी है सर 4,500। मेरा भी दो बाकी है, मेरे को भी फोन कर रहे हैं पर मैं बोला बाद में दूंगा। और सर मेरी तो बात हो चुकी थी कि 22 दिसंबर को भरना है, फिर भी नहीं वो कर दिया। सब भूल जाते हैं लोग। संकेत प्रेजेंट हूं सर ऑल ऑल। इसीलिए आज हम अटेंडेंस ले रहे हैं, हमको मालूम है कि अभी हमसे मांगा जाएगा सर अटेंडेंस प्लीज।
हम बोले चलो भाई आज ले लेते हैं, डेली का टाइम बचाते हैं, आज हम लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा अटेंडेंस पे। सतीश जी दो तीन दिन एब्सेंट है ना? हाँ दो तीन दिन एब्सेंट। एब्सेंट कहाँ थे सर? नहीं थे यार, एक दो दिन तो थे ही नहीं थे सर। जिस दिन जीएसटीएल पढ़ाए उस दिन थे? नहीं थे। था सर, जीएसटीएल के पहले दिन नहीं थे। था सर, लेट आया था। चलो एक दिन एब्सेंट मार देने तुम्हारा। अरे सर एब्सेंट था, वो बोला नहीं क्या, वो मेरे को लगा सेशन है। हाँ अरे हाँ हा, सही याद दिला है। अरे मेरे को लगा, एक ही दिन थे ना सर, आप दो दिन मार दिए, एक ही दिन थे ना एब्सेंट। चलो एक दिन तो याद है हमको जी। जी तो अरे केदार तू ना काम करा कर ना अपना यार। केदार सही याद दिलाया एकदम। ठीक है, भांग पी के बैठा था क्या तू? इतना याद रहा तुझे? सौरभ दुबे जी कब ज्वाइन किया था इसलिए बोल गया। यस सर, लास्ट का भाई। ओह यस सर, मैं अनुज जी एक साथ ज्वाइन किया लास्ट 5 दिन लगा दो। ये तो हो गया, चलिए। और अरे सौ कहाँ लग गया? हाँ ठीक है। और सौरभ जी तो डेली आए हैं। ठीक है। और श्वेता शिंदे सर हम जाएंगे फिर अभी सर प्रेजेंट सर। अरे तुम्हारा कनेक्शन देख लो यार, थोड़ा सा कनेक्शन का अभी बता देते हैं। क्या हमारे घर भी थोड़ा पेंट वेंट चल रहा है ना, तो हम भी थोड़ा सा गंदे तो सर छुट्टी ले लीजिए, इतना काम झाम मत किया करो। क्या होगा छुट्टी लेके, इतना सही क्लास भी चलती है, काम भी हो जाता है बीच बीच में, एक दिन की बात है। तेजस मुखेकर कितना एब्सेंट भाई? है ये तो ही नहीं, ये भी मारे हैं बीच में। हाँ बीच में आए थे लेकिन ये भी 2-3 दिन एब्सेंट मारे हैं जहां तक हमको याद है, छूटा इनका भी। ये बीच में खाली का है 2 दिन, अच्छा 2 दिन लीव का है, फिर संडे और दिन उधर 25 का खाली होगा। चलिए विनायक, विनायक कौन है भाई? यस नागर स्टार्टिंग से हो ना आप? विनायक प्रेजेंट है सर ऑल डे। हाँ सर। यस जी ऑल डे। हाँ ऑल डे। चलो इसमें जयंत का नाम नहीं है यार सीपीआर में। तो जयंत का नाम सीपीआर में काहे नहीं है सर? फीस जमा नहीं है उसकी, निकाल दिया उसको। 600 रुपए पेंडिंग है ना जयंत का? 400 रुपए पेंडिंग है जयंत का। तेजस बिरारी जी सर ऑल डे प्रेजेंट। भाई बार बार हम भूल जा रहे हैं कि हम भोपाल में, मालूम हमको बाहर जाने का हो रहा था। हम विमान नगर। हाँ भाई हेलो सर, सॉफ्टवेयर लेने वाले। हाँ हाँ कनेक्शन कराएंगे स्वप्निल मोर्य। लेने वाले हो क्या क्लास? लेने वाले हैं स्वप्निल मोरे। कितने दिन भाई प्रेजेंट था? 2-4 दिन एब्सेंट था और क्या। भैया जिसका जिसका निकाले है ना, जाके मैडम से बात करके इन हो जाना, कल ही मत गायब हो जाना आप लोग। श्रद्धा काटकर भाई ऐसे ऐसा कोई है कि श्रद्धा काटकर अपने बैच में? क्यों भाई हेलो आवाज नहीं आ रही क्या? अरे अरे आ रही है श्रद्धा काटकर कोई है अपने में? है ना। क्यों श्वेता शिंदे मालूम है आपको? पता नहीं सर मुझे नहीं। नाम तो हम भी पहले ही बार देख रहे हैं शायद। हर रोज तो ज्वाइन करते हैं ना सर। तुम्हारा बहुत नजर है, बताओ कितने दिन प्रेजेंट है?
चलो दो दिन एब्सेंट मार देते हैं। देवेंद्र जी इतना प्रेम से बोल रहे हैं हर दिन तो ठीक है, हो गया सब कुछ बचा है। हेलो सर। हाँ हमारा नाम नहीं है सर, लखन राठौड़। लखन, चलिए ऑल डे प्रेजेंट है सर। ऑल डे प्रेजेंट, ऑल डे एब्सेंट। और कोई जिसका नाम नहीं है सर? आकाश बाकी और है। आकाश का भी नहीं है? हाँ आकाश दानवे। स्पेलिंग गलत हो गया सर। दानवे, डी एन वी ना। कितने दिन का है? आकाश ऑल डे सर। आकाश का स्पेलिंग ए है सर, सिंगल है। सिंगल है, चलो ठीक है। हेलो सर। हाँ सूरज लकड़ी। सूरज लकड़े की लाकड़े है? लकड़े लकड़े सर। अच्छा ठीक है, अच्छा वो लड़की नहीं है। सूरज लड़की नहीं, लाकड़े ना। स्पेलिंग बता दो भाई, देख लो सही है। सही है सर। ऑल डे दो चार दिन गायब थे? नहीं नहीं एक दिन एब्सेंट। तो मेरा नेम के स्पेलिंग में गड़बड़ी किए हो? अरे रहने दो भाई, कहाँ हम नहीं किए हैं, हम तीन ही नाम जोड़े हैं अभी। कौन? देवेंद्र। ठीक है हाँ, वो लास्ट लास्ट सरनेम में। अरे सर वो सरनेम पढ़ने में, अरे सर वो पढ़ने में से वो गलती से स्ट्रगल हो गया। अरे रहने दो यार, सही है। अरे नहीं रे, देवेंद्र की जगह आ रहे सर। देवेंद्र हिंग गोली कर देते हैं, चलो। अरे नहीं सर बवाल कर दिया, सर्टिफिकेट पे ये छाप देगी मैडम। क्या है? ए एस ए एस एस हाँ टी ए ए के ए एस एस टी ए के ए आर टी ए के आर ठीक है ना? हाँ भाई, किसी का बच गया कि हो गया सबका? चलो सबका हो गया तो इसको हम कट करते हैं, आते हैं वापस से हम लोग अपने इक्लिप्स पे। तो इसमें तो मान लीजिए सारा बल्क ऑपरेशन हो गया। एक हम लोग क्या देख लेते हैं अभी कि कनेक्शन हम लोग कैसे करेंगे बिना कॉन्फ़िगरेशन फाइल के। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे hibernate.cfg.xml बनाया है, अब इसको उड़ाने की बारी आ गई है। तो सर उसमें हेलो सर। हाँ सर, वो एडवर्टाइजमेंट में आपने सर वो बल्क ऑपरेशन वाला नहीं बताया ना? बल्क बताएंगे ना अभी, अभी पहले पूरा सिंगल ऑपरेशन हो जाए तब बल्क पे आएंगे। है ना सतीश जी, पहले पूरा हो जाए वाला। हाँ ठीक है सर, चल रहा ब्रो। एक क्लास बना लेते हैं कनेक्शन फैक्ट्री। ठीक है अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक सेशन टाइप का ना, पार्टी डॉट हाइबरनेट से उठाना सेशन, इधर उधर से उठाओगे एरर आएगा। सेशन गेट कॉन, ये हो गया। एंड रिटर्न, चलो रिटर्न लगा देंगे अभी हम। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करेंगे। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लोड किया हमने org.hibernate से। ये आ गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बनाएंगे। प्रॉपर्टीज याद है किसी को? हाँ सर। भी हाँ सर,
हाँ तो वो प्रॉपर्टीज बनाएंगे हम लोग, तुम लोग कहेंगे न्यू प्रॉपर्टीज जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज, यहां से उठा लो आप, ठीक है प्रॉपर्टीज, ऑल शिफ्ट एल करो, अब पी मिल गया। क्योंकि प्रॉपर्टीज में डेटा की और वैल्यू के पेयर, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन पी डॉट पुट कर देते हैं। अब एक की होगा एक वैल्यू होगा यहाँ पे, बस तो इतना ही करने का है। तब क्या करो, यहाँ लिखोगे आप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट देखिए org.hibernate.configuration से इन्वायरमेंट डॉट url, देखिए रिफ्रेश कर रहा है, url क्या होगा डबल कोट्स में डाल दो, देन सेम हम कॉपी कर लेते हैं, url ड्राइवर यूजर नेम पासवर्ड, ये हो गया। यहाँ पे हम यूजर नेम का, या पहले ड्राइवर कर लेते हैं। यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि url लिखना है, ड्राइवर लिखना है, कि यूजर नेम लिखना है, कि यूजर लिखना है, ड्राइवर लिखना है, कि ड्राइवर क्लास लिखना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट में डॉट लगाओ खुद ही सर्च करेगा। तो ये url ड्राइवर यूजर, देखिए यहाँ पे यूजर है ना, यूजर कर दिया और यहाँ पे पास हो गया। सारा डिटेल हम क्या करेंगे इसमें अपना भर देंगे, समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई सबको क्लियर है? सर अब तक इतने टाइप हो गए कि कनेक्शन की कौन सा वो क्या फिर वो सर अलग ही हो गया, क्या हुआ चार पांच मीटर हो गए कनेक्शन लेने। हाँ बहुत तरीके हो सर, अभी और है आगे सर। अरे हाँ बोलिए। ये फाइल बनाने के बाद उसकी जरूरत नहीं क्या हाइबरनेट cfg.xml? नहीं उसकी जरूरत नहीं हमें अब। तो सर यूज कौन सा करना फिर, ये वाला? वो ये वाला यूज करना है, वो अप्रोच तो पुराना अप्रोच है, ठीक है। देन क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ये सारी प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सी डॉट सेट प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज आपने सेट कर दिया, प्रॉपर्टीज कौन सी पी को, हो गया आपका, ठीक है। कनेक्शन डिटेल सारी रेडी हो गई, देन आप क्या करोगे, देन कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो आप जानते हो फिर क्या करना है, सी डॉट कॉन्फ़िगर करना है, फिर डॉट एड एनोटेटेड क्लास करना है, एम्प्लॉय हो जाएगा इसमें, एम्प्लॉय डॉट क्लास, आगे कहानी जान ही रहे हो। फिर क्या करना है, सी डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, और आपको मिल गया सेशन फैक्ट्री, लेकिन आपने कर लिया sf डॉट ओपन सेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल गया सेशन का ऑब्जेक्ट और आपने रिटर्न कर दिया s को। बोलो भैया कोई दिक्कत कोई परेशानी? पहले क्या था, ये जो चारों डेटा था ये हम हाइबरनेट डॉट cfg डॉट एग्जाम्पल में लिखते थे, तो c डॉट कॉन्फ़िगर करते थे तो वो डेटा कॉन्फ़िगर लोड होता था। अभी सी डॉट कॉन्फ़िगर नहीं किया हमने, सी डॉट सेट प्रॉपर्टीज किया। पहले यहाँ क्या करते थे, सी डॉट कॉन्फ़िगर सारा लोड होता था कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये, लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन में अपना डेटा है ही नहीं, अपना डेटा तो प्रॉपर्टी फाइल में इन की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर में डेटा दिया, कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हमने प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे। तो जहाँ सी डॉट कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वहाँ सी डॉट सेट प्रॉपर्टीज हो जाएगा। प्रॉपर्टी में सारा डेटा है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन को दे दिया, सारा कनेक्शन डिटेल इसको मिल गई, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद कहानी सेम है ना? बोलो भाई क्लियर है सबको? हेलो सर। हाँ बोलिए सर, उसमें यूआरएल देने की जरूरत नहीं रहती क्या? किसमें? यूआरएल तो दोगे ना, यूआरएल नहीं दोगे तो कैसे उसका पता चलेगा आपको? ओके ओके, है ना, ये तो देना ही पड़ेगा ना, किस पोर्ट पे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कि कौन सा डेटाबेस है, वो सब तो देना ही पड़ेगा आपको। तो ये लगा दिया हमने, ड्राइवर फ्रॉम
डॉट माई एस क्यू एल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, ये हो जाएगा रूट और पासवर्ड ब्लैंक। ठीक है ना भाई, क्लियर है सबको? तो रन करके देख लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ से हम हाइबरनेट डॉट सी डॉट एक्सएमएल डिलीट मार रहे हैं, यहाँ उड़ा दिया हमने। देखिए यहाँ से मैपिंग भी उड़ा दिया, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ जावा की फाइल एक्सएमएल फाइल हमने सारी उड़ा डाली। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लॉन्च पे गेट कॉन कर रहे थे ना, ठीक है एक मिनट, गेट कॉन कहाँ से कर रहे थे हम लोग? अच्छा इधर से कर रहे थे गेट कॉन। ओके गेट कॉन हमने बना के रखा होगा, ये रहा गेट कॉन। तो गेट कॉन ऑन कॉल नहीं करेंगे हम, सीधे गेट कॉन मेथड ही उड़ा देते हैं पूरा, ठीक है। अब सीधा हम क्या करेंगे, कनेक्शन फैक्ट्री डॉट गेट कॉन करेंगे अब, ठीक है। चलिए रन करके देख लेते हैं। CFG could not locate CFG.xml. एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ कांड कर दिया क्या? यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है। वो गलती से कॉन्फ़िगर लिख दिया था मैंने वहां पे, तो रीड करके देख लेते हैं डेटा। अगर रीड हो रहा तो मतलब सक्सेसफुली काम हो रहा होगा हमारा। डेटा हमारे पास है 100 नंबर है मोहन, तो 100 लगाया और डेटा हमें मिल रहा है, परफेक्ट है ना। तो जो काम को कॉन्फ़िगर करने से कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड होती थी, तो हमने बोला भैया हम क्यों कॉन्फ़िगर करें, हम कॉन्फ़िगर के जगह सेट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी फाइल एक बनाएंगे, प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें सारा डेटा इंसर्ट कर देंगे और देन वो कॉन्फ़िगरेशन भी दे देंगे, कॉन्फ़िगरेशन अपना काम पूरा कर देगा। बोली भाई सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो सर, मैं नो सर नो डाउट, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में पूरा zip फाइल भेज देना सर। पूरा zip भेज देते हैं, आज हम थोड़ा सा ज्यादा इसमें लिख नहीं रहे कुछ, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी बहुत काम है। चलेगा चलेगा सर। हाँ बोलिए। हम अगर नॉर्मल कनेक्शन फैक्ट्री से कनेक्शन करें और फिर हाइबरनेट के फंक्शंस यूज करेंगे तो चलेगा क्या? नॉर्मल कनेक्शन मतलब फिर से बोलिए। नॉर्मल कनेक्शन फैक्ट्री जैसे हम डाओ में बनाते थे पहले, हाँ, तो उससे हाइबरनेट के फंक्शंस यूज कर सकते या नहीं कर सकते? नॉर्मल कनेक्शन फैक्ट्री से मतलब वो अपना पुराना वाला? हाँ हाँ पुराना वाला। लेकिन हाइबरनेट के फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे ना फिर उसमें हम, क्योंकि हाइबरनेट आपको 20 कनेक्शन ऑब्जेक्ट देता है, फिर वो तो प्रॉब्लम करेगा ना। मान लीजिए आपने बनाया कनेक्शन, ठीक है, तो वहां पे आप मान लो डेटा सोर्स का यूज करोगे, हाँ सर, तो गेट कॉन करोगे तो वहां पे गेट कनेक्शन करोगे तो वो कनेक्शन मिलेगा, तो उस कनेक्शन पे आपको डेटाबेस की फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि ये पूल ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करता है ना, यहाँ पे 20 कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिलता है, वहाँ 10 ही मिलेगा, तो वो तो हाइबरनेट की फंक्शनलिटी आपको नहीं मिल पाएगी फिर यहाँ पे। मतलब अगर हाइबरनेट की फंक्शनलिटी यूज करनी है तो कनेक्शन हाइबरनेट से ही करना पड़ेगा। हाँ हाइबरनेट से ही करना पड़ेगा, वो पूलिंग की जो 20 कनेक्शन ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी है ना वो नहीं मिलेगी। हाँ लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, ये पॉसिबल हो सकता है कि उसके ऑब्जेक्ट से आप अपना काम पूरा कर लो, फंक्शनलिटी तो नहीं मिलेगी 20 कनेक्ट, वो तो 100% श्योर है, लेकिन काम शायद हो जाए। उस कॉन पे एक बार सेव मेथड चला के देखना। यस सर। है ना, लेकिन यार नहीं चलेगा ना यार, नहीं चलेगा, कॉन पे सेव मेथड कैसे मिलेगा, सेव मेथड सेशन में है ना। हाँ वही तो सर, इसलिए। हाँ हाँ नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उससे कनेक्शन उठा के इधर कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या आप लोग? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेव मेथड क्या है हमारा सेशन का है, तो हमें सेशन ऑब्जेक्ट तो हर हाल में चाहिए। जैसे उसके कॉन में आपको वो सब मिलेगा ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट मिलेगा आपको, स्टेटमेंट मिलेगा, कॉलेबल मिलेगा, वो सब मिलेगा वहाँ पे, लेकिन इसके इसके मेथड उसके में कैसे मिल सकते हैं, है ना, ये तो थर्ड पार्टी वैसे भी है। yes. ऐसा है सीन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है।
जिसको अभी करना अभी कर सकता है, कोई अगर डाउट है तो पूछ लेना, हम जब तक इसका जिप बना के ऐड करते हैं। सर जो इसके पहले था वो ऐड कर दिया क्या नोट्स में, पहले वाला लिखा था? पहले वाला क्या नहीं, नोट्स में तो ऐड नहीं किया हमने कुछ, हम अभी जिप ही दे देते हैं पूरा आपको। वो एसबीएन कनेक्शन वाला भी दे दीजिए सर, फर्स्ट पूरा दोनों ही दे रहे हैं। हां जी सर, एक बार लॉन्च करने की तो मैंने फोटो भेज दिया क्या, लॉन्च वाला भी सर एक बार लॉन्च वाला? हां लॉन्च में तो वही पुराना नहीं कोड है लॉन्च का, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये इंसर्ट का है, अपडेट का है, डिलीट का है सब। हां भेज दो भेज दो, जिप फाइल में आ जाएगा सर, पूरा भेजते हैं हम जिप फाइल में। एक मिनट, अब भाई देखो जिसको जिसको रिमूव किया है प्लीज आप लोग जाइए मैडम, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ना, ऐसा ना फर्जी में इधर उधर के चक्कर में छूट जाए टॉपिक। लीव करेगा सर? लीव कर सकते हैं जिसको करना है, जिसको यहाँ बैठ के करना है कर सकता है। चलो फिर ठीक है। सर हाँ बोलिए सर, आपने लिस्नर का बताया याद है? हाँ तो सर उससे कोई प्रॉब्लम होती है क्या सर डेटाबेस के कनेक्शन में, क्योंकि वो जो लिस्नर वाला कोड है हाँ? वो अगर मैं दो तीन बार चला दूं तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन रिफ्यूज कर देता है बाद में? नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, पिछली बार भी कुछ ऐसा तो हो रहा था ना आपका, लेकिन बाद में सही हो गया था। तो फिर उसके लिए सर मुझे डेटाबेस को रीइंस्टॉल करना पड़ा? अरे यार नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हम तो बहुत बार चलाए हैं, इवन हमने तो उसको लिस्नर का बना के पोस्ट भी किया है। नहीं सर अभी मैंने कैसे उसको बना लिया और वार फाइल बना के रख दी, लेकिन अगर मैं उसको तीन चार बार कंटिन्यूअसली रन करूं तो फिर गड़बड़ हो जाती सर। ऐसा होता तो नहीं यार, कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी सर। प्रॉब्लम